मन में आज वार्ता रखी जी। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, उसी सिलसिले में आज जो शाही बड़ा इमाम बड़ा प्रमुख केंद्र है मुहर्रम कार्यक्रमों का, यहाँ से क्या प्रोग्राम होंगे आपको बताने के लिए आपके समक्ष ये वार्ता रखी गई है, जहाँ मुहर्रम की 9 तारीख 7 तारीख यानी कि 18 सितंबर बरोज मंगल को शाम 4:30 बजे से सुबह 2-3 बजे तक, गालिबा 3 बजे तक ज़ायरीन नंगे पैर पूरे दूर दराज से पूरे जनपद से मेहंदी पेश करेंगे। जनपद में मेहंदी पेश करने का सिर्फ यही एक स्थान है शाही बड़ा इमाम बड़ा, और कहीं मेहंदी पेश नहीं होती। ज़ायरीन यहाँ पर बड़ी तादाद में जिसमें ख्वातीन हजरात यानी कि महिलाएँ और बच्चे बुजुर्ग शिरकत करते हैं, बड़ी अकीदत के साथ नंगे पैर ज़ायरीन आते हैं। प्रशासन से हम चाहते हैं कि तमाम इंतजाम करें। इसी तरह 9 तारीख मुहर्रम की यानी कि 20 सितंबर बरोज़ गुरुवार जुमेरात को शाम 5 बजे से शहर का सबसे बड़ा भव ताज़िया ज़्यारत के लिए रखा जाएगा, जो सुबह 6 बजे तक जहाँ ज़्यारत का क्रम जारी रहेगा। गालिबन 3 बजे रात को शहीदी जिक्र शहादत का प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। वहीं 2:30 बजे शिया समुदाय द्वारा मातम का प्रोग्राम रखा गया, शिया समुदाय मातम करेगा 2:30 बजे के। इसी सिलसिले में रात 8 बजे 9 तारीख यानी 20 सितंबर को रात 8 बजे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शाही बड़ा इमाम बड़ा मुहर्रम कमेटी के ज़ेर एहतमाम सरकारी सेहरा बड़े ताज़िये पर पेश किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीकात्मक सेहरा है और यह मुल्क की खुशहाली और शांति सौहार्द के लिए दुआ की जाएगी। प्रशासन से हमारी डिमांड है, वैसे हमें जिलाधिकारी महोदय और प्रेस कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, पूरा वादा किया है कि बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज आपके सामने ये बात कहेंगे कि नगर निगम के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं आदेशों को अधिकारियों की। मेयर साहिबा का 2-3 बार मेरे पास फ़ोन आ चुका, उन्होंने आर्डर करे हैं, नगर आयुक्त साहब ने आर्डर करे हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं बराबर मुझसे संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं है। कोरा आश्वासन मुझे दिया जा रहा है शाही बड़ा इमाम बड़ा को आने वाले जितने भी मार्ग हैं सब क्षतिग्रस्त हैं, जर्जर तार लटके हैं। आज शायद विद्युत विभाग ने काम लगाया हुआ है जर्जर तारों का, मैंने अभी देखा नहीं है लेकिन खबर है ऐसी, लेकिन पेयजल आपूर्ति बाधित है। ज़ायरीन करीब 30-40 हज़ार की तादाद है, पूरे प्रोग्रामों में सुबह तक यहाँ शिरकत करती हैं, कोई व्यवस्था नहीं। ये शाही बड़ा इमाम बाड़े में मुहर्रम दारी का मामला है और ये परसों जो है 18 सितंबर यानी मुहर्रम की जो है 7 तारीख को मेहंदी का प्रोग्राम है। तमाम श्रद्धालु लोग जो है सभी लोग यहाँ पर आते हैं, मेहंदी चढ़ाते हैं और मुहर्रम की 9 तारीख यानी 20 सितंबर को यहाँ पर सरकारी सेहरा जो है शहर काजी सैयद शाहनवाज अली के नेतृत्व में और यहाँ के मुसर्रत अली हैं और प्रबंधक मोहम्मद रजा अली और तमाम लोग हैं, इनकी देखरेख में जो है सेहरा चढ़ाया जाएगा। और मैं प्रशासन से जो है अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर जो है मुहैया पुलिसकर्मी तैनात कराएं, जिससे यहाँ पर व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। मुहर्रम कार्यक्रमों का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो हमारे शाही इनाम बाड़ा है और उसके जो अध्यक्ष हैं सैयद मुर्शद अली और प्रबंधक मोहम्मद राजा अली और उसके जो काजी प्रवक्ता हैं काजी शहनाज अली जी, दिलसाद अली राजू जी, मोहम्मद उमर फारूक जी, तमाम मुस्लिम समाज के बड़े ही बुद्धिजीवी लोग जिनके देख रेख में इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं और ये मुहर्रम का जो कार्यक्रम है इनकी देख रेख में बड़े ज़ोर शोर से होता है। मैं जिला प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा कि जो शाही इनाम बाड़े में जो व्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से चालू कराएं और शहर में ताजियों के दफनाने के लिए व्यवस्था को पूर्ण रूप से कराएं। यह त्यौहार इस्लाम हिंदू और मुस्लिम एकता का त्यौहार है और बहुत ही अच्छा त्यौहार है जिसमें हिंदू भाई भी समर्थन करते हैं त्यौहार का और बड़े शांति प्रिय जनपद फिरोजाबाद में काजी शहनाज अली के नेतृत्व में कार्यक्रम किया जाता है दिलसाद अली के नेतृत्व में। मैं जिला प्रशासन से एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूं जो मुहर्रम का जो भी कार्यक्रम है उसमें पूरी रूप से अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कराएं।